वक्त की खबर है मेरठ से, जहां कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। मेरठ शहर के प्रमुख चौराहे पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें, सीएम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरी पुलिस फोर्स। बिना मास्क घूम रहे लोगों का किया जा रहा है 500 रुपये का चलान। बड़ी तादाद में सड़कों पर घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए लोग। सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर कीमत पर संक्रमण को रोकने के दिए हैं निर्देश। बेगमपुर चौराहे पर एएसपी ने अपनी टीम के साथ चलाया चेकिंग अभियान। बस से लेकर दो पहिया वाहन तक की जा रही है चेकिंग। सड़कों पर चलने वाले हर व्यक्ति को किया जा रहा है मास्क लगाने के लिए जागरूक। मेरठ से द भारत टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। आज पूरे शहर में प्रमुख स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सर्किल कैंट में जो मुख्य एरिया है, जैसे कि बेगमपुल चौराहा, लाल कुर्ती में पैंट चौराहा, यहाँ पर सभी जगह पर मास्क की सघन चेकिंग की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबका 500 रुपये का चालान किया जा रहा है और पूरे शहर में ये अभियान आज भी चलेगा और लगातार ये चलता रहेगा। और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे, अब सरकार के सख्त आदेश हैं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि अब हमें हर तरह से कोविड के प्रकोप को रोकना है, इसको फैलने से रोकना है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि मास्क लगाएं और किसी भी तरह की कार्रवाई से बचें। देखिए, मुख्य उद्देश्य पुलिस का यही है। मुख्य उद्देश्य पुलिस का पैसा कलेक्शन नहीं है कि हम मास्क के थ्रू पैसा कलेक्शन करें। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को समझाएं। तो हम जनता को समझा भी रहे हैं कि हाँ, आप मास्क लगाइए, मास्क लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पब्लिक उसको मान भी रही है। काफ़ी संख्या में लोग आज मास्क लगा के भी निकले हुए हैं, क्योंकि इस चीज़ को कल अखबार में के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी पब्लिसाइज किया गया था। तो बस यही निवेदन है कि सभी लोग मास्क लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम लगातार इस तरह के अभियान चला के आप पब्लिक के विरुद्ध कार्रवाई करते रहें।